हेलो दोस्तों, शड़ी मूड में आपका स्वागत है। कल यानी कि 25 फरवरी 2024 को बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा 1275 सीट के लिए होने जा रहा है। दो शिफ्ट में एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा, यानी कि आपके पास एनर्जी हाई लेवल का होना चाहिए। हिंदी में तो उतना मत दिमाग लगाइएगा, पासिंग मार्क्स है, लेकिन सामान्य अध्ययन का पेपर जो है वो मेरिट आपका डिसाइड करेगा। तो एनर्जी को मेंटेन करते हुए चलना है। ये ऐसा नहीं कि हिंदी में आप क्वेश्चन ही छोड़ दीजिएगा। 30% पासिंग है तो बच्चे से क्वेश्चन आता है, अच्छा से क्वेश्चन करना है, यानी जितना आता है उतना अच्छे से कीजिएगा। सामान्य हिंदी होता है, ग्रामेटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कर लीजिएगा। अब एक बात उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये ज़रूरी सूचना है कि पटना कॉन्वेंट शिवाजी चौक रामकृष्णा नगर पटना, ये जो सेंटर है इसे आपको परीक्षा केंद्र को संशोधित किया गया है और नया जो है वही पटना कॉन्वेंट साउथ अप भूपतिपुर मीठापुर बस स्टैंड वेस्ट रामकृष्णा नगर पटना 8027, ये पिन कोड है। तो ये इस तरीके से आप देखिएगा कि जो बदलाव किए हैं, इसका स्क्रीनशॉट मैं डाल दूंगा। यहाँ के जो भी अभ्यर्थी हैं, जो थोड़ा क्या होता है ना, नाम इधर उधर हो जाता है तो वो बाद में अपडेट कर दिए जाते हैं। पता नहीं इतना देर से क्या कर रहे थे, अब अभी अपडेट किए हैं, ऐसा तो नहीं मतलब पहले कर देना चाहिए था एग्ज़ाम के एक दिन पहले ऐसा मतलब जानकारी देना। एक थोड़ा हंसी जैसा नहीं लग रहा है आप लोगों को ये, मतलब कल एग्ज़ाम होने वाला है आज अपडेट दे रहे, भाई इतने दिन से आप क्या कर रहे हैं। आपको कम से कम जांच करो, जाकर वहाँ पर जांच करना चाहिए कि किस तरीके से सेंटर है, क्या असल में उसका नाम है। तो ये चीज़ होते रहता है, इसका टेंशन आप लोगों को नहीं लेना है। ये जो अभ्यर्थी हैं वहाँ जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा, और अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, मुख्य परीक्षा है और कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ओमर सीट रंगने में बड़ा अफसोस होता है जी, मतलब जो भुगत चुका है वो जानता है, हमसे पूछोगे तो हम बता पाएंगे कि क्या क्या होता है। आस लगाए बैठते हो, रिजल्ट आएगा तो पता चलता है कि कहीं सिग्नेचर ही छूट गया है आपका। तो थोड़ा मतलब अच्छे से दीजिए एग्ज़ाम बेहतरीन तरीक़ा से, और अपना मेरिट में नाम स्थान बनाने के लिए अच्छा स्कोर भी करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कैसा आ रहा है, वहीं आपको कटअप डिसाइड करेगा। आप ही बता देना, थोड़ा मजाक बन जाएगा, ठीक। तो जो भी लोग हैं अपना कलम लेकर, एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, एक फ़ोटो और एडमिट कार्ड अपना, ये वाला अभी मेंस वाला एडमिट कार्ड लेकर जाइएगा, पीटी वाला नहीं कि पुराना वाला भी एडमिट कार्ड लेकर जाना, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक। तो ये लेकर जाइए, फ़ोटो इसलिए लेकर जाना होता है कि मान लीजिए वहाँ पर आपका चेहरा नहीं मिल रहा है, कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो वहाँ पर फ़ोटो दे दिया जाता है अप्लीकेशन लिख कर। तो ये सब आपको जानकारी होना चाहिए अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं आप। तो आधार कार्ड लेकर जाइएगा या जो भी आपने फ़ोटो वाला आइडेंटिफिकेशन के बारे में जानकारी दिया होगा, यानी आई कार्ड के बारे में, तो वो लेकर जाइएगा, ठीक। और लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा करोगे यार, मतलब हलवा है, पीटी निकाले हुए हो, मुख्य परीक्षा देने जा रहे हो, झंडा गाड़ोगे और मज़ा आता है यार। कम से कम एक्सपीरियंस तो मिलता है ना एग्ज़ाम में बैठने से। एग्ज़ाम देते रहो जब तक है उम्र, तभी तक तो दे हुए, उम्र ख़त्म हो जाएगा, एक्सपीरियंस ख़त्म हो जाएगा, मज़ा ही नहीं आएगा देने में एग्ज़ाम। और दो मतलब उसे नेगेटिव मत लो, अभी आज लास्ट दिन है। आकर यहाँ पर मैं ये नहीं बताना चाह रहा हूँ कि ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, वो पढ़ लो, कुछ नहीं, जितना पढ़े हो इनफ है। बस क्या तुमने जो पढ़ा है उसको उस तरीके से तुम वहाँ पर सही में क्वेश्चन को सॉल्व करने में यूज़ कर पा रहे हो, या वहाँ पर जाकर कन्फ्यूज़न पैदा हो जा रहा है, ये तो वहीं पता चलेगा, ठीक। अभी डराने से और ये सब करने से कोई फ़ायदा है नहीं। और डरना क्यों, क्यों डरना, मतलब किससे डरना, एक बात समझ लो। सभी टीचर जितने भी लोग हों, एग्ज़ाम हॉल के बाहर ही तुर्रम खां होते हैं। एग्ज़ाम हॉल में जाना कितना भी विद्वान है, जस्ट लाइक आप समान एक स्टूडेंट की तरह ही बिहेव आपका भी हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर क्वेश्चन ये मत सोचिए कि आप ही के अनुरूप आने वाला है, वहाँ पर क्वेश्चन जैसा आएगा उसके अनुरूप आपको बनना पड़ेगा। तो एक बात ध्यान में रखिएगा कि ये नहीं कि मैंने कम पढ़ा है, मैंने ज़्यादा पढ़ा है, ये क्वेश्चन आ गया, वो क्वेश्चन आ गया, ये लड़ाई आ गया, इसके लिए हम कौन सा संधि, ये सब कुछ नहीं। जितना पढ़ ले भाई, देखो सिंपल सी बात है, जो एग्ज़ाम देते हैं वो जानते हैं, जो एग्ज़ाम में बैठते हैं पता है कि कितना प्रेशर होता है, आने वाला क्वेश्चन कैसे गलत होता है। तो सबसे पहले एक बार, दो बार, तीन बार पेपर को घूम जाना है, यानी पूरे समय में, और एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। नेगेटिव 1/10 है, यानी क्वेश्चन सही करोगे तो 2 नंबर मिलेगा, 10 क्वेश्चन गलत करोगे तो यानी 2 नंबर कटेगा, यानी 1/10 नेगेटिव हो गया। सो मैक्सिमम स्कोर करो, बाकी नेगेटिव नहीं लेना है, लेना है ये तुम्हारे हाथ में है, क्योंकि वो तो मैं नहीं कर सकता, मैंने जो तरीका है बता दिया। और मैक्सिमम स्कोर करो, कंपटीशन टफ है, और मज़ा से अगर मेरिट लिस्ट में आना चाहते हो, फिजिकल देना चाहते हो मन से, ये नहीं कि उधर फिजिकल भी दे रहे हैं, ये भी डर लगा है यार मेरिट मत बढ़ जाए, मेरिट मत बढ़ जाए, वो नहीं। तो अच्छे से एग्ज़ाम दो मजे से, ठीक। चलो फिर एग्ज़ाम दो, फिर मिलते हैं, और मेरे तरफ से आप सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक है, बेहतरीन तरीक़े से एग्ज़ाम दीजिए, ठीक। और आज सो जाइए, अब तो समय हो चुका है, सुबह जाकर फ्रेश होकर अपना एग्ज़ाम देना है, ठीक। बेस्ट ऑफ लक है, बाय बाय, फिर मिलते हैं। जय हिंद।